तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में देखेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका होगा मानव रोग से संबंधित प्रश्न जानेंगे। तो इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन देखेंगे और ट्रिक्स देखेंगे, तो आप लोग क्लास को अंत तक ज़रूर वॉच कीजिए। तो चलिए तो बेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने पहले आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों के नाम। देखिए इसको ट्रिक से याद करेंगे एकदम बिल्कुल आसान से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसका ट्रिक क्या है, टीकूसीडी में बनी है पटाखा। ट्रिक से कैसे याद रखिएगा, टीकूसीडी में बनी है पटाखा, यह जीवाणु से होने वाले रोग। तो देखिए टी से आपका हो गया, टी से हो गया आपका टिटनेस, जिसे टीबी या क्षय रोग भी कहा जाता है। कु से हो गया आपका देखिए कुष्ठ रोग, सी से हो गया आपका सिफिलिस और डी से हो गया आपका डिप्थीरिया। उसके बाद देखिए मे आया है, तो मे से आपका हो गया मेनिनजाइटिस और बो आया है, तो बो से हो गया बॉटुलिज्म, जैसे भोजन विषाक्तता के कारण होता है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ नी, नी से हो गया निमोनिया रोग। उसके बाद है से हो गया हैजा और हो गया प, हाँ तो प से क्या हो गया प्लेग। इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, ये हो गया बैक्टीरिया से होने वाले रोग जो होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ और हैं, उसके बाद देखिए पोस हो गया, उसके टा से हो गया टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और का से हो गया काली खांसी। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले देखते हैं। देखिए अब है कवक के द्वारा होने वाले रोग। देखिए कवक से होने वाले प्रमुख रोग, कवक से होने में देखिए इसको ट्रिक से कैसे, गंजा दामाद खाए फ्रूट। क्या है गंजा दामाद खाए फ्रूट, देखिए गंजा से हो गया आपका गंजापन और दमा से हो गया दमा और दो से हो गया दाद जो कि बीमारी का नाम है। देखिए उसके बाद खाए से हो गया आपका खाज, उसके बाद फ्रूट से हो गया एथलीट फूट जो हाथी पाव रोग कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए अब आ गया है प्रोटोजोआ से संबंधित। देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले प्रमुख रोग, पापा काम पे सोते हैं, ये आपका ट्रिक हो गया, पापा काम पे सोते हैं। देखिए पा से हो गया आपका पायरिया और का से हो गया कालाजार और मो से हो गया मलेरिया और पे से हो गया पेचिस। देखिए इसमें रोग कारक भी दिया हुआ, पायरिया किसके कारण होता है, एंट अमीबा जीजी वेलिस के कारण होता है। किसके, एंट अमीबा जीजी, और कालाजार किसके कारण होता है, लिस्मेनिया के कारण। किसके, लिस्मेनिया रोग कारक के कारण। उसके बाद मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण, किसके, प्लाज्मोडियम। उसके बाद पेचिस देखिए एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है। तो चलिए अगले देखिए, आगे देखते हैं, आगे आपका देखिए सोते सोते सोने की बीमारी होता है, क्या होता है सोने की बीमारी और किससे होता है, लिस्मेनिया से, किससे होता है, लिस्मेनिया से। यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब आपके सामने है विषाणु, क्या है विषाणु यानी कि वायरस से होने वाली बीमारी, वायरस से होने वाली बीमारी। देखिए ट्रिक इसका क्या है, रेखा हमें हिट करके पो एच यानी कि इसको पीछे आप लोग आप पीछे से रिलेटेड कीजिए, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ कर, जैसे कोई किसी को चढ़ा पढ़ा देता है जैसे एग्जाम में हो गया या किसी भी चीज़ में आगे करके यानी कि छोड़ देता है, तो इससे रिलेटेड आप याद रखिएगा। जैसे इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक रे से हो गया रेबीज बीमारी और खा से हो गया खसरा और हाँ से हो से हो गया हर्पिस और मे से हो गया मेनिनजाइटिस। देखिए रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और खसरा से संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। देखिए रेबीज से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र। खसरा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। देखिए नेक्स्ट देखिए, मे से हो गया मेनिनजाइटिस, उसके बाद ही से हो गया हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारे शरीर का, यकृत अंग को प्रभावित करता है। और टो से हो गया ट्रेकोमा, ट्रेकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आँख की कॉर्निया, आँख की कॉर्निया। यहाँ तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए पो से हो गया आपका पोलियो, पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को, पोलियो को प्रभावित करता है। ए से हो गया एड्स जो कि प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है, और चे से हो गया चेचक, चेचक संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और छो से हो गया छोटी माता बीमारी जो कि संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, और दो से हो गया डेंगू, डेंगू ज्वर, और गो से हो गया गलशोध, गलशोध किस अंग को प्रभावित करता है, तो लार ग्रंथि को गलशोध प्रभावित करता है। ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किस अंग को प्रभावित करता है, श्वास नली को इन्फ्लुएंजा प्रभावित करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता मनुष्यों में होने वाले अनुवांशिक रोगों के नाम, अनुवांशिक रोग के यहाँ पर नाम जानेंगे ट्रिक से, बिल्कुल आसान भाषा में इसको देखिए देखते हैं। वही क्लिप वही डाट, वही क्लिप वही डाट, ये आपका याद रखिएगा ट्रिक से, वही क्लिप वही डाट। देखिए वो से हो गया आपका वर्णांधता, ही से हो गया हेमोफीलिया, और क्ली से हो गया क्लीन
क्लिनेफेल्टर, और प से हो गया पटाऊ सिंड्रोम, क्या पटाऊ सिंड्रोम, और ड से हो गया डाउन सिंड्रोम नामक बीमारी, और उसके बाद ट से हो गया आपका टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा डाउट। देखिए अब आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक है, प्रश्न क्या है कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है। जी हाँ, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है, तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, वर्णांधता। विटामिन ए की कमी से होता है वर्णांधता बीमारी होता है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ तथ्य देख लेते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, इससे पीड़ित व्यक्ति को दिन में तो स्पष्ट दिखाई देता है किंतु रात में दिखाई नहीं देता है। विटामिन ए की कमी से जो है व्यक्ति को दिन में दिखाई देता है लेकिन रात में दिखाई नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता है क्षय रोग, क्षय रोग यानी कि टीबी मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। आप लोग को उधर बताया भी है क्षय रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, तथ्य देख लेते हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्षय रोग मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है। जी हाँ, दांत की बीमारी किसकी कमी से होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्लोरिन की कमी से दांत की बीमारी होती है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए फ्लोरिन की कमी से दांतों की बीमारी हो जाती है। पानी में इस तत्व की अधिकता से भी फ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। पानी में फ्लोरोसिस की अधिकता से यह बीमारी होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कहता है एक्वियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को निम्न में से निरूपित किया जाता है, तो किसे निरूपित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर H5N1 को, किससे H5N1 को, इससे रिलेटेड जानकारी देख लीजिए। देखिए बर्ड फ्लू एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है जो मुर्गियों में होता है। किस में होता है, मुर्गियों में। इसका विषाणु H5N1 है। H1N1 स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है। क्या है, स्वाइन फ्लू के विषाणु का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है। दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय हो जाएगा सही आंसर। देखिए कहता है मधुमेह रोग अग्नाशय के खराब होने के कारण होता है। इस रोग में अग्नाशय की कोशिकाएँ पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं करती हैं जिसके कारण से यह बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। सोच एवं याददाश्त जिसका कमजोर होता है किससे बीमारी है, तो आप लोग आंसर कीजिए अल्जाइमर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अल्जाइमर। देखिए अल्जाइमर सामान्यतः यह रोग वृद्धावस्था में होती है। क्या होती है, वृद्धावस्था में उनके आदमी मतलब भूल जाता है ज़्यादा, तो वृद्धावस्था में होती है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका अंग टाइफाइड से प्रभावित होता है। देखिए टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इससे प्रभावित होने वाला अंग अंत है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, अंग टाइफाइड से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिकेट्स हैं एक बीमारी, रिकेट्स एक बीमारी है। कौन सी बीमारी है, हड्डी का, कौन सी हड्डियों में रिकेट्स बीमारी होती है। देखिए कहता है रिकेट्स हड्डियों की एक बीमारी है, इसे बच्चों का सूखा रोग भी कहा जाता है। सूखा रोग किसे कहा जाता है, तो आप लोग रिकेट्स को कहा जाता है। यह विटामिन डी की कमी से होता है। सूखा रोग किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी के उसके बाद देखिए BCG का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं। BCG का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के उपचार में लगाए जाते हैं। देखिए BCG अर्थात बेसिल्स केलेमिटी ग्यूरिन इसका फुल नाम हो गया का टीका तपेदिक या
टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो जय हिंद, जय भारत।